तो इसके बाद हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा मेन टॉपिक है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि हम अपने गेस्ट को भी इनवाइट कर लें। तो आज के एपिसोड में जो हमारी गेस्ट हैं वो है हादी आमजद। शी इज वेरी मल्टी टैलेंटेड एंड सच अ ग्रेट ओरेटर। तो अस्सलाम वालेकुम हादिया। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। तो हादिया, जैसा कि आप जानती हैं कि आज के एपिसोड का हमारा टॉपिक है फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ऑल वी नो कि फिजिकल फिटनेस इज द फर्स्ट रिक्विजिट ऑफ हैप्पीनेस। तो हादिया, सबसे पहले तो मेरा आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज इन आवर लाइफ, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत से लोगों के जहनों में होता है लेकिन वो इसको क्लियर नहीं करते, ना किसी से पूछते हैं। तो आप थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करें कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट। वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो एक्सरसाइज के बारे में ये जरूर जानते हैं कि वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि वो किस किस वे में आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो सबसे बेसिक और फॉरमोस्ट जो होता है, जो सबका गोल तकरीबन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले होता है, वो ये होता है कि ये आपको वेट लॉस में या वेट कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक्सरसाइज जो होती है वो आपके मसल्स को स्टिफ होने से, उनमें स्पैज्म होने से रोकती है, और उसमें प्रॉब्लम्स होने से जो है वो रोकती है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज होती है ये रिड्यूस करती है आपका रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, ठीक है, ये आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करती है, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, आपकी कैपिलरीज जो होती हैं इनकी अमाउंट को इंक्रीज करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है आपके ऑर्गन्स तक, ठीक है, ये आपका जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ये कोरोनरी हार्ट डिजीजेस, हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये आपके ऑर्गन्स तक ज्यादा बेहतर तरीके से ऑक्सीजन भिजवाने में हेल्पफुल होती है। इसके साथ साथ एक्सरसाइज जो होती है वो आपके मूड को इम्प्रूव करती है, आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो आपके मूड को इम्प्रूव करते हैं। उसके अलावा कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स को इंक्रीज करता है, ये उसको बर्न आउट करती है, जिसकी वजह से आपके जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, और ये स्पेशली एंजाइटी के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ओके हादिया, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इम्पोर्टेंस को, लेकिन इससे मेरे माइंड में क्वेश्चन आया, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस? एक हो जाती है एरोबिक एक्सरसाइजेस या फिर एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस, ठीक है। एंड्योरेंस एक्सरसाइजेस या एरोबिक एक्सरसाइजेस बेसिकली वो एक्सरसाइजेस होती हैं जिनमें आप कार्डियो करते हो, आप अपना हार्ट रेट इंक्रीज करते हो, आप अपना वर्कआउट जो है उसमें आप अपनी कैलोरी बर्निंग इंक्रीज कर रहे होते हो, ठीक है। आपका बेसिक गोल यही होता है कि आप कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा बर्न करो, अपनी बॉडी को एक्टिव करो, ठीक है। इसके मुकाबले में जो सेकंड टाइप है वो है स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस में बेसिकली जो है जो आप वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर वेट ट्रेनिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप अपने मसल्स की अगेंस्ट, उनके मूवमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस उनको दे रहे होते हो, जिसकी वजह से जो मसल्स होते हैं उनकी पावर इंक्रीज होती है, ठीक है। जो इंड्योरेंस ट्रेनिंग है उसमें आपकी इंड्योरेंस इंक्रीज हो रही होती है, जबकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होती है। तो इंड्योरेंस का ये मतलब होता है कि आप कितनी टाइम के लिए और कितना कंसिस्टेंटली वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जबकि स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि वो बर्स्ट ऑफ एनर्जी जो आपको कोई भी काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है वो आपने, ठीक है। जो थर्ड टाइप आ जाती है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिनमें हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, उससे ये होता है कि आपके मसल्स जो होते हैं वो हार्डन नहीं हो जाते, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती ओल्ड एज में जाके, स्पेशली ओल्डर एडल्ट्स और यंग टीनेजर्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल्स लीड करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। इसमें योगा भी एक तरह से आ जाता है। योगा को हम कम्प्लीटली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के तौर पे नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि ये सिमिलर होती हैं, काफ़ी सारे पोजेज जो होते हैं योगा के वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से सिमिलर होते हैं, तो इसको भी हम लोग इंड्योरेंस और एरोबिक एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का एक मिक्सचर के तौर पे ले लेते हैं। एंड पे हमारे पास आ जाती हैं बैलेंस एक्सरसाइजेस। तो बैलेंस एक्सरसाइजेस में बेसिकली आप अपना बैलेंस, विजन और अपनी बॉडी का पोस्चर वगैरह जो होता है उसको करेक्ट कर रहे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो ओल्डर एडल्ट्स के लिए होती है या टीनेजर्स के लिए होती है, क्योंकि एक तो जब आप ओल्ड एज में जाते हो तो आपका जो पूरा सिस्टम होता है जो आपका बॉडी का बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है
वो डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है, तो ये उसको प्रिवेंट करती है। और यंग एडल्ट्स में क्योंकि स्पोर्ट्स वगैरह जो बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं या फिर जिनको मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हादिया, आपने एक एक टाइप को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमारा सबका कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो गया। और हम एक्सरसाइज के नेम से तो वाकिफ थे, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते थे कि उसकी क्या क्या टाइप्स हैं और हर टाइप की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अब हमें ये बताएं कि does exercise cause some bad effect on the old age people? अच्छा अरूज, अब आपने ये बात छेड़ी है तो इसके बारे में भी बात करते हैं। काफ़ी सारी मिथ्स हैं जो कि इस बारे में हैं कि ओल्डर एज के जो लोग हैं उनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उनके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारी ये जो मिथ्स हैं ये सिर्फ मिथ्स ही हैं। हादिया, आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर दिया है। और इन समरी अगर हम देखें, जो जो बातें आपने हमें बताई हैं कि डेली फिजिकल एक्टिव रहना, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी एज में, आप ओल्डर एज में हैं, आप यंग हैं, आप एडल्ट, जो भी एज में हैं, आपको फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप डेली स्ट्रेचेस करें, कोई भी एक्सरसाइज करें आप अपनी मर्जी के मुताबिक, लेकिन आपको फिजिकल एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच हादिया, और मुझे पर्सनली भी बहुत सी ऐसी चीज़ों का नॉलेज मिला जिनके बारे में मैं पहले नहीं जानती थी। एंड आई होप कि हमारे लिसनर्स को भी बहुत फ़ायदा पहुंचा होगा इस सब इन्फॉर्मेशन से।